जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज हैं आप सभी, सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और गिंतोली गांव बटी, आप सब होते हैं मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुनहरे खेतों से और सोयाबीन की खेतों से। और देखिए मौसम बिल्कुल सुनहरा हो रखा है और साथ में पुतली भास रही है, लेकिन पुतली खुशी पुतली भास। तो आज मैं आ रही हूँ सोयाबीन निकालने के लिए। सोयाबीन यानी अभी आई हूँ मैं शाम के टाइम पे, पहले दुकान, सुबह पहले मैं खेत पे गई थी, फिर खेत से आने के बाद मैं दुकान पे गई, दुकान से आने के बाद फिर मैं खेत पे आ गई और सोयाबीन पक रखे हैं यहाँ पे। तो पता आप लोगों को मेरा मन नहीं है अभी इनको निकालने का, बट मजबूरी होती है। वो भी रही वहाँ पे भी और ये भी रही और वो नीचे भी हैं। तो मेरी सासू जी लगी है कतकुई करने पे, जा जा लेके आ, निकाल निकाल, लोगों की बुआरियों ने निकाल दी ये वो। सो मैंने कहा जाती हूँ, वैसे तो अभी थोड़ा पकना था इन्होंने, क्योंकि गोने बांदर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पर यहाँ पे ना एक दो मकान है तो इनके कारण थोड़ा सा यहाँ पे बच जाता है। तो कौन समझाएगा बुजुर्ग लोगों को। तो मैंने कहा छोड़ो यार चले जाते हैं। तो अभी फटाफट से सोयाबीन निकालते हैं, खुशी घास निकाल रही है, एक खुशी निकाल वाल। तो चलिए बने रहिए साथ में। तो फिर दोस्तों अभी मैंने सोयाबीन निकाल दिए हैं पूरे इस वाले खेत के भी, देखिए कंप्लीट कर दिए हैं, और उस वाले खेत के भी कंप्लीट कर दिए। और ये रही मेरी सोयाबीन की भारी, ये देखिए। और आज की सोयाबीन थोड़ा बहुत पकी हुई है और भारी भी शायद अच्छी लगी हुई है आज, क्योंकि बहुत हमें सासू जी ने थोड़ दिया था दुनिया भर का उसमें। तो आज सही है, भारी भी सोयाबीन थोड़ा भारी भी होते हैं। तो पता मेरे को क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो हमारे उत्तराखंड का कल्चर है ना, वो बहुत ही प्यारा कल्चर है, और कुछ लोग पता नहीं उसको गलत करने पे तुले हुए रहते हैं। जैसे कि मुझे वैसे बताते हुए भी अजीब सा हो रहा है, आप लोग ना ब्लॉग बनाते हो, ठीक है सही है, वीडियो बनाते हो, अब जनता उसे पसंद करती है नहीं करती। एक तो सबसे मेन गलती है जनता की, जनता को क्या चाहिए, कुछ उठपटांग टाइप का, जिससे कि ना मतलब ऐसा हो कि यो ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। तो आप लोग ना पहाड़ से रिलेटिव वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे हो, सच मानो तो। बात ये सच है कि जो पहाड़ से रिलेटिव वीडियो है, पहाड़ी संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो है, वो तो आप लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हो। और आप लोगों को चाहिए उठपटांग कि अलड़े की बेटी भाग गई, फलाने का बेटा उसको लेके भाग गया, फलाने के घर में ये हुआ, फलाना का वो हुआ, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब आप लोग ऐसी चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं, तभी लोग ऐसी चीज़ें भी डाल रहे हैं। तो मैं ना मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे ऐसा हो रहा है जैसे कि उस दिन पहले आपने देखा होगा कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे, फेमस लोग हैं यार वो, तो तारा राहुल ब्लॉग्स, मुझे कहना नहीं चाहिए बट मैं कह रही हूँ। तो सिस्टर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मुझे सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊँगी आपको कि आपकी जो वीडियो रहती है ना, आपके फैमिली से ही जुड़े हुए रहते हैं, आपके फैमिली के, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सास ससुर आपके साथ, आपके देवर बहुत अच्छा परिवार है आपका, बहुत अच्छा ढंग का है, भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, एक प्यारा सा लल्लू भी दे रखा है, प्यारा सा बेटा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके हस्बैंड सब बहुत अच्छे हैं, और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो परिवार है ना, वो हमेशा ऐसे खुश रहे ना। तो पता आपको ना, वैसे आपके क्या बताऊँ मैं आपको, जो कमेंट आती है ना नेगेटिव, मुझे भी आती है, पर आपको कुछ अलग ही लिखते हैं लोग, और मुझे भी लिखते हैं, सबको लिखते हैं। जो मैंने कहा ना कि हज़ारों दुश्मन पालने पड़ते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ जिम्मेदारियां जब इंसान के सर पे आती है ना, और वो कुछ कामयाबी की ओर चलता है, तो हज़ारों दुश्मन हो जाते हैं उसके। तो पता नहीं क्यों होते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। तो आपका एक बेटा है, ठीक है, एक हीनू ब्लॉग है, हीनू ब्लॉग को आप देखते होंगे, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनको प्रेगनेंसी के 5-6 मंथ हो गए थे, और लोगों ने उन्हें खुद कमेंट की थी, दीदी आप मोटी मोटी दिख रहे हो, तब जाके उन्होंने बताया था हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और 6 मंथ मुझे प्रेगनेंसी के हो चुके हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने काफ़ी टाइम बाद बताया। पहले ज़माने में, पहले हम जब मेरी शादी हुई
तो पता जब मतलब एक औरत माँ बनती है, लेकिन मतलब 5-6 महीने तक तो पता ही नहीं लगता था कि ये लड़की पेट से है ना, तो शर्म होती थी बहुत ज़्यादा। चलो समाज बदल गया है, ज़माना बदल गया है, मैं समझती हूँ इस बात को भी। तो दूर से मैं ना, आपने सीधे आपके हस्बैंड परसों घर आए और आपका एक छोटा सा भी बेटा है, आप लिख रहे हो थंबनेल में कि ये गलती हो गई हमसे, मैं अभी हमें बच्चा फिर नहीं चाहिए, फिर आप ब्लॉग में बोल रहे हो कि मुझे चाहिए, आपको हस्बैंड लड़ रहे हैं। यार ये फैमिली मैटर है, इसको आप समाज के सामने ना ही दिखाए। और आपको कितनी कमेंट्स आई थी, आपने कमेंट्स ऑफ कर दी उस पर, तो ये डालना आपको मेरी बात का बुरा लगे उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर प्लीज़ हमारे उत्तराखंड का कल्चर ऐसा नहीं है, ऐसे थंबनेल ऐसे वीडियोस मत डाला कीजिए, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोग आपको ही गलत बोलेंगे। हमारा क्या है, हमें क्या बोलेंगे लोग, लेकिन लोग आपको ही गलत बोलेंगे और काफ़ी सारे आपके दुश्मन होंगे, तो वो भी खुश हो जाएंगे इसको देख के ना, व्यूज आ जाएंगे आपके, बहुत अच्छे व्यू आएंगे, अच्छे आए भी हैं उस वीडियो पे, बहुत अच्छे व्यूज आए हैं। तो जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी ना, मुझे अजीब सा लगा कि 2-4 हमारे गांव के लोग भी आपकी वीडियो देखते हैं, पता आपको पूरे गांव में सब बोलते हैं तारा राहुल ब्लॉग देखते हैं, लेकिन सब ने काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला उसने अच्छी वालों क्या डाल रखा था, बोले ऐसा हाथ है बोलो उसके लिए, तो प्लीज़ बहन ऐसा मत डालो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है हमारे उत्तराखंड के कल्चर में। आप प्रेगनेंट हो या नहीं हो कोई नहीं, 2-3 महीने बाद बता देते, लेकिन आप तो 10-11 दिन में नहीं हुए, आप बोलो ये हमसे ये गलती हो गई, ये कोई समाज में कहने की बात नहीं है और जनता को बताने की कोई बात नहीं है, इसमें लोग गलत बोलेंगे, इसका गलत असर आपके परिवार पे, आपके हस्बैंड जी पे पड़ेगा। और आपके हस्बैंड जी को भी मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे बेटे भी और बहुत अच्छे आप हस्बैंड भी हो, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो ना डालें, क्योंकि मैं उत्तराखंड कल्चर से जुड़ी हुई हूँ और उत्तराखंड के बारे में जो गलत गुलत कुछ बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ़ चलती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जो हमारे उत्तराखंड का कल्चर गलत दिखाता है, उत्तराखंड के लिए गलत बोलता है, क्योंकि उत्तराखंड को गलत हम ही लोग कर रहे हैं, हम ही लोग उत्तराखंड के कल्चर को बेकार करने पे तुले हुए हैं, इसीलिए हमारा उत्तराखंड का कल्चर बेकार हो गया है। तो चलिए फटाफट से, और एक बात और थी आप लोगों से कहनी, मैंने ना एक प्रमोशन किया था कि ये कोई आया था कॉस्मेटिक का मेरी दुकान पे, मैंने उनका प्रमोशन इंस्टाग्राम पे किया, किसी ने मुझे कहा कि आप बाहर वालों का प्रमोशन कर रहे हो, अपने लोगों का करो, हमारे लोग इतने मेहनती कहाँ हैं जो कि हमारे लोग जगह जगह सामान लेके जाएं कि ये वो, हमारे लोगों को शर्म हो गई है, सबसे बड़ी बात है हमारे लोगों को है शर्म कि भाई मैं ये सामान लेके कैसे वहाँ जाऊँ, कैसे उनकी दुकान पर सेल करने जाऊँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे, भाई शर्म काम की, किसी भी काम की शर्म नहीं होती है, होटलों में बर्तन धोने की क्या शर्म करनी है, जब कोई रोजगार ही नहीं है हम लोगों के पास तो शर्म ही क्या करनी है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ गलत लगा होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं इतनी दूध की दुली नहीं हूँ जो आप लोग मुझे बोलने वाले हो या बोलोगे, तो मैं भी कई सारी गलतियाँ मुझसे भी होती होंगी, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान से भी गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी गलती होंगी, तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे को भी आप मतलब दूध की दुली मतलब मेरे से भी कई सारी गलतियाँ होती होंगी, ये मेरे कहने का मतलब है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फटाफट से देखिए, सोयाबीन का भारा भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, फटाफट से सोयाबीन का भारा उठाते हैं, घर जाते हैं। और अभी घर पर ना आजकल हमारे गाँव में गोबर सुखाने पर लगे हुए हैं लोग, अभी घर जाके गोबर जो धूप में डाला था उसको इकट्ठा करना है, फिर गौशाला बैठना है, फिर रोटी पानी 10-10:30 तक का सीन होता है ये पूरा। तो चलिए बने रही साथ में। जय माता रानी की। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों अभी ना हम शाम को 5 बजे आए हैं खेत में, जहाँ के लिए छात बोलते हैं, तो हम ना खेत में आए हैं, और अभी मेरी मम्मी ने आपसे बोला कि गोबर सुखाते हैं, वो गोबर सुखाते नहीं है, वो हमारे लिए ड्यूटी बन गई है ड्यूटी, और देखो किस्मत कितनी फूटी हुई है हमारी, आज अब 4 तारीख से हमारी 9 बजे की स्कूल लगेगी, और गोबर भी तभी से सारते हैं, पहले तो शाम की ड्यूटी लगती थी अब सुबह की ड्यूटी लगेगी, अब देखो पहले तो जब 7-8 बजे की स्कूल थी तब भी जल्दी उठना पड़ता था, और अब 9 बजे की स्कूल है तो तब भी जल्दी ही उठना पड़ेगा। ये इतना बोलने वाली है, मेरे को नहीं पता, चल बाय। घोपति राघव राजा राम, पतिते पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम,
सब को शान मति दे भगवान, कमला बिमला मिथुला धाम, अवधपुरी के राजा राम। आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की ढेर सारी और हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं जा रही हूँ गोबर लेके। तो भी दोस्तों हो चुकी है सुबह और अभी मैं जा रही हूँ खेत पे गोबर लेके, और भयंकर वाला भारी हो रहा है यार। हल्का फुल्का तो सुखा भी रखा था पर फिर भी भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। और कल ब्लॉग को एंड नहीं किया था, जो ये वाली सार है ना हमारी बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा, तो हल लगाने लग गए हैं। मैंने सोचा कि यार इतनी दूर मैंने जाना ही है तो एक कन्नी गोबर की भी ले ही जाती हूँ, और गोबर ले जा रही हूँ वहीं से। यार मेरे साथ गोबर डालने आना यार प्लीज़ आप लोग, क्योंकि बहुत दूर है ये वाली सार। और खुशी तो बोल रही थी कि हमारी किस्मत ही ख़राब है, अब बच्चों को भी इन सुबह कैसे उठाऊँ मैं गोबर ले जाने के लिए। देखिए अभी कच्ची सड़क से जा रही हूँ मैं और बहुत दूर जाना है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को जो भी मैंने वीडियो में बोला है अच्छा ही लगा होगा, गलत नहीं लगा होगा। और वीडियो को एंडिंग देते हैं, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आपको मैंने बताया था मैं तो नहीं रख सकती व्रत, हरियाली नहीं डाल सकती, तो कल मेरा भजन आ रहा है माता रानी का, तो अपना प्यारा आशीर्वाद जरूर दे भजन को। तो चलिए लोगों एंड करते हैं, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी।